बी ए बी कॉम बी एस सी एम ए एम कॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डी ए वी पी जी कॉलेज के पास पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने सिवान। सिवान शहर के शेखर सिनेमा के बगल में स्थित राज नारायण मार्केट में चल रहे ऑक्सफोर्ड इंग्लिश स्पोकन संस्था के प्रांगण में आयशा टेक्निकल इंस्टीट्यूट ओपीई प्राइवेट लिमिटेड का उद्घाटन बड़े ही शानदार तरीके से इंस्टीट्यूट के प्रधान निर्देशक तनवीर आलम के कर कमलों द्वारा किया गया। बता दें कि शिक्षा के क्षेत्र में सिवान और आगे ले जाने और सिवान के बच्चों को प्रशिक्षण देकर उनको नौकरी दिलाने की दिशा में काम करने के मकसद से इंस्टीट्यूट की शुरुआत की गई, जहां से सेफ्टी के क्षेत्र में बेहतर भविष्य के संबंध में बच्चों को न सिर्फ उच्च क्वालिटी की शिक्षा प्रदान की जाएगी बल्कि जो सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा उसका विदेशों में काफ़ी मान है। बता दें कि 3 अक्टूबर को पहली क्लास शुरू हो, जिसमें एडमिशन लेने या अधिक जानकारी लेने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स टू माय ऑनरेबल चीफ गेस्ट मिस्टर तनवीर साहब एंड ऑनरेबल गेस्ट्स एंड आई ऑल्सो मोस्ट वेलकम टू यू ऑल एंड हार्टली रिगार्डेड टू यू ऑल एंड यू ऑल आर मोस्ट वेलकम एट माय कोचिंग सेंटर आयशा टेक्निकल इंस्टीट्यूट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू से दैट Nowadays, I am looking there is a bright future in the field of safety officer, and thousand students are nowadays unemployed, and safety officer course is a best course for employment. Safety officer course has a bright future. Students can make their beautiful career in this field. So we all have thought this beautiful plan to inaugurate this coaching center in Sivan, because we are looking that the students of Sivan are very curious to join safety course, and they have lots of passion. They want to do something different, and we are looking that already students of Sivan have occupied different post on safety officer, such as IDIP course. And they are earning lakhs and lakhs rupees per month. So हम लोग का ये plan है, we have just planned out that the students should join safety course. And I feel that ISA Technical Institute is a best coaching center in the on the globe of Sivan, because it provides international certification. Its certificate value is very, I can say here, इसका certificate का value बहुत ज़्यादा है सिवान के ग्लोबल, क्योंकि और जगह और यूनिवर्सिटी तो सर्टिफिकेट देती ही है, इसके अलावा इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन भी करती है। तनवीर साहब जमशेदपुर में इसका ऑलरेडी ऑल इन ऑल है, ये वहाँ देखते हैं, और मुझे लगता है कि दिस इज बेस्ट कोचिंग सेंटर इन सिवान। सरफराज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई वुड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स ऑल ऑफ यू, यू हैव ऑनर्ड मी बाय विजिटिंग इन माय इंस्टीट्यूट on the auspicious occasion of inauguration. So I cordially thank my teachers who visited here and encouraged me to open a branch in Sivan. First of all, let me introduce myself. My name is Tanvir Alam. मेरा अपना एक सेफ्टी इंस्टीट्यूट है जमशेदपुर में, जो एक प्राइवेट संस्था है ना, आयशा टेक्निकल इंस्टीट्यूट ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। तो हमने डिसाइड किया था तौसीफ सर से मिल करके कि यहाँ सिवान में एक हम एक ब्रांच ओपन करेंगे, जो बच्चों को एक अच्छा क्वालिटी एजुकेशन देंगे। हमारे मेन मकसद यहाँ क्वालिटी एजुकेशन देना, और बच्चों को सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन देने के बाद में उसको हम इतना सेल्फ डिपेंडेंट कर देंगे कि वो सेट में जाने के बाद में किसी भी इंजीनियर सुपरवाइज़र को उसको डोमिनेट नहीं कर पाएगा, और वो इंडिपेंडेंट होकर काम करेगा, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ड्यूटी को फुलफ़िल करेगा और पूरा डिस्चार्ज करेगा वो। तो हम उसको इस लायक बना देंगे, बिल्कुल वो भी लो बजट में। हमारा जो प्लानिंग है, फ्यूचर प्लानिंग यहाँ का, कि हमको सिर्फ सर्टिफिकेशन नहीं देना है, क्वालिटी एजुकेशन देना है ना। एजुकेशन के दम पर ही कोई भी लड़का हो, चाहे वो इंजीनियर हो, सुपरवाइजर हो, सेफ्टी हो, वो जा करके अपना ड्यूटी डिस्चार्ज कर सकता है, और एक अच्छा सेफ्टी ऑफिसर होने का जो फ़र्ज है वो अदा कर सकता ना। ये हमारा मेन हमारा मिशन है हमारे। तो हम लोग ठीक है, इस मिशन को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग वक्त के साथ साथ अपना जो ट्रेनिंग जो क्वालिटी है उसको और इम्प्रूव करके हम अपने इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप मीडिया बंधु को मैं आयशा टेक्निकल प्राइवेट इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ।
और आज सिवान के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे छोटे भाई तौसीफ बाबू ने जो है कि सिवान के छात्रों के लिए एक भविष्य लेकर आए हुए हैं इस सेफ्टी ऑफिसर कोर्स के माध्यम से। और आज के जो समय है सेफ्टी ऑफिसर का जो कोर्स है इसका डिमांड बहुत है, और ख़ास करके हम लोग जब 96-97 में गल्फ में काम किया करते थे उस समय हमारे इंडिया से सेफ्टी ऑफिसर बहुत ही कम बच्चे वहाँ जाया करते थे, खास करके फ्रॉनर बच्चे होते थे। लेकिन आज जो है हमारे सिवान डिस्ट्रिक्ट से सबसे ज़्यादा बच्चे गल्फ में आपको मिलेंगे सेफ्टी ऑफिसर करने के बाद। और मैं चाहूँगा कि आयसा टेक्निकल इंस्टीट्यूट के माध्यम से हमारे सिवान के बच्चे सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स करने का जो सुविधा है इसका हासिल करें, और इसके बाद से जो है कि बहुत ही कम समय में अपना फ्यूचर बनाने का काम करेंगे। क्योंकि आज जो मसरूफियत की ज़िंदगी है हर बच्चा चाहता है कि कम समय में मैं जल्दी जॉब अपना मैं अचीव करूँ, तो इसके लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म जो है सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स है। और सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स में और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, अगर बच्चे चाहें तो उनको अचीव करके अपना फ्यूचर जो है बनाने काम कर सकते हैं। हो गया, सबसे पहले इस इनॉग्रेशन के लिए हमारे उपस्थित चीफ गेस्ट और आए हुए और सभी गेस्ट हमारे और सब टीचर बंधुओं को और मीडिया बंधुओं को हार्दिक अभिनंदन है। और इस मौके पर हमें फख्र हो रही है कि सिवान में इस तरह का हमारे नौजवानों ने सोच किया है जिससे बेरोज़गारी का मसला हल हो सकता है और आने वाले सभी जनरेशन को इसका फ़ायदा पहुंच सकता है। हमें इसमें इन लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए, हौसला अफजाई करनी चाहिए हम लोगों को, ताकि आगे से ज़्यादा बच्चे हमारे सिवान ज़िले के आगे बढ़ सकें और उनकी तरक्की हो सके। आज एजुकेशन की बहुत कमी है ख़ास कुछ माशरे में, उस माशरे को आगे बढ़ाना हम लोग का फ़र्ज बनता है, कर्तव्य है हर आदमी का। इसलिए इसको हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसकी हौसला अफजाई के लिए आगे आना चाहिए, इनको हौसला अफजाई करना चाहिए ताकि आगे से आगे बढ़ सके। थैंक यू वेरी मच जी। आप लोग आए, बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया। ये आयसा टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो हम लोगों ने खोला है, इसमें जो भी सर्टिफिकेशन दिया जाएगा वो इंटरनेशनल दिया जाएगा, जैसे कि आयोस का जो है अपना एक्रीडिटेशन सेंटर है, ओशा का अपना एक्रीडिटेशन सेंटर है, योस का अपना एक्रीडिटेशन सेंटर है। तो अभी तक सिवान में इस तरह का सेंटर किसी के पास नहीं है। और यहाँ पर जो सर्टिफिकेशन होता है, कई तरह का सर्टिफिकेट लोग दे बच्चों को बहला देते हैं, और जब वो बाहर जाते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। तो हम लोग जो सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो यूएससी यूके बेस्ड कर रहे हैं, जिससे उनको अगर काम करने के दौरान बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। और जो क्लासेस यहाँ चलने वाली हैं 3 अक्टूबर से चलने वाली हैं, उससे पहले अगर किसी को भी एडमिशन लेना है या जानकारी इकट्ठा करना है तो शेखर सिनेमा के बगल में वो आएँ, और ऑक्सफोर्ड स्पोकन सेंटर जो है उसी के कैंपस में ये इंस्टीट्यूट खुला हुआ है, जिसमें हम एक टीम मेम्बर के तौर पर मैं तौसीफ इकबाल, तनवीर आलम, मजहर हुसैन खान, अमित कुमार रंजन और अधेश बाबू, और इस तरह बहुत सारे लोग जो हैं मिलकर हम लोग इस चीज़ को और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं।